हाय, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, एक पंजाबी सिख फैमिली से, और मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर वीमेन आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं बचपन से ही अपने आप को एक लड़की के रूप में देखती थी और 13-14 ईयर्स की एज में मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद माई जेंडर। स्टडी कम्प्लीट करने के बाद फिर मैं दिल्ली आई और दिल्ली आने के बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट करी, डेटा ऑपरेटर और छोटी छोटी कंपनीज में काम करा। उसके बाद फिर मैंने BPO सेक्टर में भी काम किया है। मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ और मैं दिल्ली की फर्स्ट ट्रांसजेंडर लोक अदालत जज पैनलिस्ट हूँ। मेरा फर्स्ट जो था उनके साथ भी कई बार हुआ है, ऐसे विदाउट प्रिकॉशंस हुआ है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा था उस टाइम भी। जैसे कि मैं ओरल में ज़्यादा बिलीव करती थी, तो ओरल सेक्स में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा रिस्क कम होता है, लेकिन जब आप किसी के साथ वजाइनल या एनल सेक्स करते हो तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इन सब चीज़ों का मैं ज़्यादा ध्यान रखती थी क्योंकि तब तक तो मैं खुद सेंसिटाइज हो गई थी कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं अपनी कम्युनिटी को यही बोलना चाहती हूँ कि उनके लिए सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। कॉन्डम का हमेशा इस्तेमाल करें और प्रेप पे रहें। बहुत सारे लोगों को प्रेप के बारे में नहीं पता है, तो प्रेप के बारे में जानिए। प्रिकॉशन के साथ टेस्टिंग भी कराना बहुत ज़रूरी है। भले ही मैं सेफ्टी यूज़ करती हूँ, प्रिकॉशंस लेती हूँ, हमेशा अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाती रहती हूँ और अपना HIV का टेस्ट भी मैं हर 6 महीने में करवाती हूँ।